गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जयगुरु कोचिंग सेंटर। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। एज यूजुअल आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो अपने मोबाइल का यूज करिए, फोटो खींचिए और ये व्हाट्सएप कर दीजिए। इस नंबर पे मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। ओके, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज नंबर सिस्टम। ओके, नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिया हूँ जो कि थ्रू फार्मूला सॉल्व होता है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं सॉल्व करने में, जो कि ये विद इन 5 सेकेंड्स में बनने वाला क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पर देखिए, यस 957 थ्री टाइम्स है, यहाँ पर 143 थ्री टाइम्स ए भी है। ओके, और नीचे है, अगर ऐसे देख लेते हैं तो अगर मल्टीप्लाई करने आप जाएंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा और ये कोई जरूरी नहीं कि आपका आंसर सही आए। ठीक है, तो ये इस पर आधारित होता है, a+b² + a+b (a² - ab) + b²। यहाँ पर अगर प्लस रहे ना तो यहाँ से भी प्लस वाला शुरू होता है, ठीक है, और यहाँ बीच में माइनस होता है ए बी। ओके, यहाँ पर देख लीजिए, अगर ए बराबर मान लेते हैं 957 और b बराबर मान लीजिए 143, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a तीन बार है ना, a तीन बार लिखा है ना, तो एक क्यू हो गया, ठीक है, और b क्यू हो गया, ठीक, और नीचे क्या है, a दो बार लिखा है तो a स्क्वायर हो गया, ठीक है, क्लियर, और माइनस a है, यहाँ पर देख लीजिए a a है और a b है, तो क्या हो गया, ए बी प्लस बी, ए है बी और बी मान रखे हैं 143 के, तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर, दो बार है तो क्लियर हो गया। और इसके जगह पर अगर ए आप लिख देते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही है ना इसका फॉर्मूला, तो और नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, ऐसे कर सकते हैं इसको। अब ये भी समान है, ये भी समान है, गुना में ना ऊपर तो कट जाएगा ना ऊपर नीचे, ठीक है, तो कितना बच गया आपके पास, a प्लस बी बच गया ना, a कितना था 957 प्लस 143 कितना हो गया 1057 और 43, साथ इसको दे दीजिए तो ये 50 ये भी 50 यानी 1100 कितना हो जाएगा आंसर 1100। ओके, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, सी, क्लियर। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, अगर यहां पर ऐसे देख लिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू है और नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो क्या करना है, नाइन ए इसको 957 और 143 का ऐड करिए, डायरेक्ट आंसर। अगर आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, मेन है कि अगर इसको आप याद रख लेंगे माइंड में एक बार बैठा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए बस इतना कैलकुलेशन किया, नहीं तो मात्र 5 सेकेंड का मैथ है, ठीक है, क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ये भी उसी फॉर्मूला पर आधारित है, देखिए कैसे, यहां पर a बराबर मान लीजिए 649 और b बराबर मान लीजिए 351, ठीक है, अब जैसे कह रहा है उस हिसाब से यहां पर लिख लेते हैं 649 दो बार है ना, तो ए स्क्वायर, ये क्या है, ये भी दो बार है 351, तो इसको भी लिख लीजिए बी स्क्वायर, और ये क्या है, ए है और बी है, क्लियर, बटा में, फिर यहाँ पर नीचे कितना है, ए को तीन बार यानी ए क्यू ए पर पावर तीन, और ए बी को तीन बार भी लिखा है यानी बी पर पावर क्यू, बस जस्ट अपोजिट हो गया ना, तो क्या बच जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ना, आए ए वाला पूरा टोटल आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ए ऊपर वाला कट जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, ए प्लस बी, समझ में आ गया होगा, पिछले वाले में आप इसके जगह पर आप रखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू के जगह पर आप ए वाला पूरा रख देंगे तो ए वाला नीचे ऊपर कट जाएगा ना, और ए केवल बच जाएगा आपका, यानी 1/a + b, तो 1/a + b कितना है, ए 649 ना, 649 प्लस 351 600 + 300 900 हो गया ना, और 49 और 51 इसको दे दीजिए एक, तो दोनों 50 बच जाएगा, 50 बन गया दोनों, 50 100 और यानी 1000। ओके, 649 + 351 मीन्स 1000, ठीक है,
कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, 1/1000 यानी बी। क्लियर, बहुत ही इजी है। ओके आगे देखते हैं, यहां पर देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, याद कैसे रखेंगे, यहां पर अगर माइनस हो तो यहां पर भी माइनस रहता है, इसमें प्लस आ जाता है सारा, ठीक है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप कोई फॉर्मूला याद कर रहे हो तो उसका यूज भी करके देखिए तो जल्दी याद हो जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पर ये लिया हूँ। और ये प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, ये नहीं कि मैं अपने से बना के यार कहीं से ले रखा हूँ, ये प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है कई एग्जाम में, SSC रेलवे NTPC कहीं भी जहां भी देखिएगा ये मिल जाएगा ये नंबर सिस्टम का। तो देख लीजिए यहाँ पर ए बराबर यहाँ पर ले लीजिए 734 क्योंकि 3 बार यूज हुआ ना वो, और बी बराबर 127। तो क्या देख रहे हैं, ए क्यू हो जाएगा ऊपर क्योंकि 3 बार आया ना ये, ठीक है। ए क्यू माइनस 127 यहाँ पर, तो ये हो गया बी क्यू, 2 बार 3 बार यूज हुआ। तो नीचे कितना है ये देख लीजिए, 2 बार यूज हुआ ना, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और फिर ए और बी हुआ ना, ये देखिए ए, तो ये हो जाएगा प्लस ए बी, और फिर ये ठीक है बी स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार हुआ तो बी स्क्वायर बस। अब फॉर्मूला ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू और यहाँ पर लिख सकते हैं ए माइनस बी, बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। और नीचे क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दोनों सेम है ना ऊपर नीचे, इसको इसको कट कर दीजिए, आपके पास क्या रह गया ए माइनस बी। अगर ऐसा आप देखें कि यहाँ पर ए क्यू रहे, ये बी क्यू रहे, ए क्यू माइनस बी क्यू, तब नीचे बस देख लीजिए कि जरूर रहेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बस ए माइनस बी, इसको से इसको घटा दीजिए, आंसर आ गया। तो 700 में से 700 था ना, 734 यहाँ पर देख लीजिए, 734 माइनस 127, 700 में से 100 घटाएंगे पहले तो 600, और फिर 34 माइनस 27 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ठीक है, यानी 600 और प्लस 7, ये 7 ऐड करेंगे 27 में तो 34 हो जाता है ना, यानी घटाएंगे इसको तो कितना आ जाएगा 607, 14 में 7 गया ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 2 बच जाएगा 0, 7 में से गया 6 यानी 607, ऑप्शन कौन सा है, ये हो रहा है ना सही, क्लियर, 607 आंसर आ गया। आगे देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी देखिए, अगर आप ऐसे करते करेंगे प्लस करके और मल्टीप्लिकेशन करके आपको 4 से 5 मिनट लग जाएगा, वो भी गलत आंसर आने की संभावना ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये किस पर आधारित है, इस पे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में, ठीक है, इसके इतना के बराबर 2 आंसर होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, 1 मिनट, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, देख लीजिए मैं आपको तोड़ के बता रहा हूँ, एक बार देख लेने के बाद ये याद हो जाएगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर यहाँ पर तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहाँ पर दे रखा ना, तो यहाँ पर भी दे दिए, फिर ए माइनस बी स्क्वायर को तोड़ कर लिखिए, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसे, ये तो जानते ही होंगे सभी लोग। और नीचे हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर देख रहे हैं ये माइनस 2ab है प्लस 2ab चला गया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों दो दो बार आ रहा है ना, इसका मतलब 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर ऊपर बच गया, नीचे क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों में दो दो है ना, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। और नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इससे इसे कैंसल, 2 बचा ना, ठीक है, यानी इतना बराबर 2, ठीक। इसी पे देख लीजिए, यहां पर ए बराबर हो गया 756 और बी बराबर क्या हो गया 287, बस सेम हो गया ना क्वेश्चन, ए प्लस बी के होल स्क्वायर है ना, और ए माइनस बी के
होल स्क्वायर है, और नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम है। इसको सॉल्व करके भी बताए हैं, ये 756 ये सबसे कोई मतलब ही नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। क्लियर, बहुत ही ईजी है। और कैसे आता है 2 मैं बता दिया हूँ, ठीक। एक बार a प्लस बी के होल स्क्वायर रहेगा और एक बार a माइनस बी के होल स्क्वायर रहेगा, उसको ऐड करना है, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ऐसा रहा तो आंसर क्या होगा 2। क्लियर, आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा, क्योंकि इसी पर आधारित है। a प्लस बी के होल स्क्वायर है और a माइनस बी के होल स्क्वायर, उसमें ऐड किए थे a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को, तो आया था 2 आंसर, और नीचे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें है कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर को a माइनस बी के होल स्क्वायर को घटाएंगे, और नीचे में ए बी, तो 4 आंसर आता है। तो इसका मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। देख लीजिए, इसको मैं बता रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, ठीक है, यहाँ माइनस है तो ऐसे रहने देते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab होता है, a माइनस बी का फॉर्मूला, और नीचे में ab। क्लियर, अब यहाँ पर देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस, माइनस है ना तो सभी साइन चेंज हो जाएगा अंदर, ये तो जानते ही होंगे, तो ए माइनस में ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 2ab हो जाएगा, क्योंकि माइनस में था ना, और नीचे क्या रहेगा ab रहेगा, ठीक। तो इससे माइनस, इससे माइनस, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, ओके वन मिनट, और फिर ए स्क्वायर प्लस में और ए स्क्वायर माइनस में कैंसिल, अब ऊपर क्या बच रहा है 2ab, 2ab यानी 4ab, अब बटा में ab, यहां पर देख लीजिए 4ab ऊपर बचा और नीचे बचा क्या ab केवल, कैंसिल। क्लियर, यानी आंसर 4, यही तो है ना, इसको a मानिए, इसको b मानिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर और ea और ab। क्लियर, समझ में आ गया होगा, ओके ठीक है। a प्लस बी के होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर अगर प्लस करते हैं दोनों को तो 2 आंसर आता है, और अगर दोनों को माइनस करते हैं तो 4 आंसर आता है। प्लस वाला में नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहता है, और माइनस वाला में जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे ab रहता है। कैसे आता है मैं यहां पर बता चुका हूं, ठीक है, हो जाएगा ना आपको विद इन 5 सेकेंड सॉल्व, ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे। कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि जिसमें बच्चे समय अपना वेस्ट कर देते हैं, अगर ये आप समय बचाएंगे तो दूसरे क्वेश्चन में आप दे सकते हैं, इसमें तो कैलकुलेशन कुछ है ही नहीं, बिल्कुल आप देखिए और टिक करिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें वीडियो को, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली ऐसे ही क्वेश्चन लाने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम में क्लिक मैच करेगा और आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित होगा। ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।